मेरा नाम सुनीता नेगी है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि NYSC यंगपा द्वारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता किए गए थे उसके विजय टीम रहा GSC जानी। इस वीडियो में आप देखेंगे किन्नौरी सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके साथ ही रस्सा कस्सी खेल प्रतियोगिता जिसके विजय टीम रही यंगपा फर्स्ट। और चलिए चलते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले चलते हैं स्टेज पर जहाँ पर हितेश अजयन जी का स्वागत किया जा रहा है। ये माला फूल माला लेके आए चीफ गेस्ट के लिए ना, यहाँ पे जो लेके आए तो अभी दिखाएंगे आप लोगों को जब ये माला देंगे। उसके बाद बड़े भाई नरेंद्र होंगे मुख्य अतिथि और सभी गणमान्य व्यक्ति पंचान कृष्णा जी, समस्त सदस्य आधे आगे बैठ जाइए, बैठो लगातार ना तालियां बजती रहनी चाहिए। अजय चारस यदि मेरी आवाज के लिए आएगी और जब मैं अनाउंसमेंट करूंगा तो आप तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहिए आप। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में सबसे पहले बुलाया जा रहा है सेकंड यंगपा को अपनी प्रस्तुति देने के लिए, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे स्पीड बढ़ा रही हूँ, आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जब वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है ना लेंथी हो रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप लोगों की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही जो है ना खूबसूरत था, मन को छूने वाला प्रस्तुत आप लोगों ने ना दोस्तों एक ही मंच पर जो हमारी किन्नौरी रीति रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति को जो झलकी दिखाई है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो वाला वीडियो नहीं काटूंगी मैं, वो वाला वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी ताकि सबको पता चले कि हमारी जो है ना संस्कृति कैसी है।
आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों सेकंड एम्पावर वालों की प्रस्तुति? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चले कि लोगों को कि हमारे यहाँ पे जो किन्नौर की है संस्कृति है रीति रिवाज है किस तरह से बनाए जाते हैं, लोगों को भी पता तो चलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या छोकरियाँ तो रोज मिलते हैं बोलो। हाँ ये बात सही है। निकाले क्या ना बढ़िया ना फिर गांव से। ये है दोस्तों राजकीय माध्यमिक पाठशाला काफनू की छात्र और छात्राएं। इन छात्राओं ने भी ना बहुत ही सुंदर एक मैसेज दिया है, तो वो आप लोग वीडियो में ज़रूर देखेंगे। वैसे तो जितने भी यहाँ पे प्रतियोगिताएं हुई हैं सभी ने अपना मतलब इतना खूबसूरती कुछ ना कुछ संदेश दिया है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या संदेश दिया है। खूबसूरत प्रस्तुति दी इन छोटी छोटी बच्चों ने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, अफसर बनेगी कल को, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। तो यहाँ पे हितेश अज्ञान जी जो आज के मुख्य अतिथि है नाटी करते हुए, तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा इनकी नाटी में शामिल होते हैं दोस्तों। मेरे फ्रेंड लोग हैं अभी, ये देखो इन्होंने खेलना है अभी रस्सा कस्सी के लिए यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। ये दीदी गीता दीदी बिजी है आप लोग अभी तो, हाँ रस्सा कस्सी वाले है ना। ये देखो इन दोनों का अपने ही चले हुए गप्पे, तो बस अब रस्सा कस्सी होगा क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किन्नौरी नाटी था वो हो चुका है अब समाप्त। ये फाइनल था जिसमें चीफ गेस्ट ने मेला लगाया, ये देख सकते हैं आप। अब चीफ गेस्ट जो है यहाँ पे देखने आ रहे हैं रस्सा कस्सी। और मेरे बड़े लोग बहन लोगों से मेरे फैन लोगों से सबसे मिलिए। रस्सा कस्सी करना है सच्ची? चलो होता हुआ रस्सा कस्सी का पहला मुकाबला गवर्नमेंट हाई स्कूल फर्स्ट की स्टाफ और महिला मंडल होते के बीच में जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार। टॉस होम रहे होते पीछे कर रहे हैं।
फर्स्ट राउंड में भी होमती हार जाती है और सेकंड राउंड में भी हार जाती है, मतलब कि दोनों तरफ से होमती की हार होती है और यंगपा जो स्कूल स्टाफ है वो जो है विनर होती है। खुशी हमारे को आपने हरा दिया, आपने हमारे को हरा दिया, स्कूल में खिचड़ी खा खा के तभी हराया, दोस्त लोगों को हरा के खुश हो गए आप लोग तो बहुत ज्यादा। अभी देखेंगे कौन सी बाद में आप लोगों का अच्छा, स्कूल में खिचड़ी खा के कसम से कमाल का जोर लाया। रस्सा कसी के फाइनल में पहुंच जाते हैं दोस्तों करब्बा टीम और फर्स्ट यंगपा स्कूल स्टाफ जिन्होंने हमारे को भी हरा दिया। तो चलिए देखते हैं इस रस्सा कसी में हार कौन जाता है। शाबाश करब्बा, शाबाश शाबाश करब्बा, शाबाश चलता है, शाबाश करब्बा, ट्रॉफी जीत गए, ट्रॉफी लड़ाई कर रहे हैं यार, जारी की पूरे सामने आता है और सभी महिला मंडल भी आ रहे हैं चाहिए। इसके बाद हम आपके हर वीडियो हमारे मिस्टर कमेंट्रेटर एसपी किलो माथा उनको भी सम्मान करेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। ठीक है जी, थैंक यू। रस्सा कसी का प्रथम पुरस्कार गवर्नमेंट हाई स्कूल यंगपा फर्स्ट स्टाफ, गवर्नमेंट हाई स्कूल यंगपा फर्स्ट की जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या लगता है, दिल थाम कर बैठिए, क्या लगता है किसे जाना चाहिए? फोक डांस की वो चमचमाती ट्रॉफी और नगद पुरस्कार 10,000, विनर इन फोक डांस यंगपा सेकंड, जोरदार इस टीम के लिए। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, ट्रॉफी ले लीजिए, 10,000 नगद राशि और तो बेस्ट वॉलेंटियर्स में सबसे पहले गोलू स्पादन 11 कंगोस, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, थोड़ा सा वो पीछे रह गए और इस प्रतियोगिता के विजेता टीम के स्पॉन्सर अजय चारस जी ने ये ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। विनर ऑफ NYSC यंगपा द्वारा आयोजित इस 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता की TSC 40। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब इसके बाद वो अंतिम चीज जो रह गई है और ये ध्वजारोहण होता हुआ वो अंतिम लम्हे, तालियां होनी चाहिए। 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का यहाँ समापन होता है और यहाँ पे है DSC जानी की टीम जो यहाँ पे खुशी प्रकट कर रही है किन्नौरी नाटी लगा करके। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊं और इनके साथ शामिल हो जाऊं इनकी खुशी में, आखिर मेरे ससुराल वाले हैं तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। तो वाले यहाँ रस्सा कसी वाले यहाँ ट्रॉफी लेके आ रहे हैं। यहाँ समाप्त होती है, काफ़ी समय के बाद दो क्लासमेट यहाँ मिनी स्टेडियम कापनू में आके मिल रहे हैं। तो यंगपा में हुई है इनकी शादी और ये यंगपा स्कूल के अध्यक्ष भी है और रस्सा कसी में इनकी जीत हुई है तो यहाँ पे अपना जो है खुशी इजहार करते हुए। ये देखो भी हम चल पड़े हैं घर की तरफ, जो हमारा आज का जो टूर्नामेंट फंक्शन था तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और अभी देखो बलर जैसा लग रहा है ना, लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब हम तो चल रहे हैं फटाफट से और जो लोग नए विजिट हुए हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय तो बोलो यार, बाय बाय तो बोलो यार, बाय बाय।